जादुई पानी का मटका। एक जंगल में बहुत से पशु पक्षियों की दुनिया बसती थी। उस बड़े जंगल में एक नदी बहती थी। सारे जानवर और पक्षी उसी नदी का पानी पीते थे। 2 बरस लगातार ठीक से बरसात नहीं हुई और सूखा पड़ गया। नदी का पानी पूरी तरह सूख गया। नदी की राह में सिर्फ कंकड़ पत्थर दिखाई पड़ने लगे। सभी जानवर और पक्षी पानी के न मिलने से परेशान हो उठे। भाई, जल ही तो जीवन है। जब यहाँ जल ही नहीं रहा तो हम कैसे जी पाएंगे? हमें अब यहाँ से डेरा कुंज करना पड़ेगा। सही कह रहे हो हाथी भाई, अब यहाँ से विदा होना पड़ेगा। मैं अभी अभी जंगल को छोड़कर अपनी टोली के साथ चली जाऊंगी। नदी ही पानी का सहारा थी और अब जब उसमें ही पानी नहीं रहा तो हमारे यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं होता। सभी जानवर और पक्षी वहाँ से जाने लगे। चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं थी और वो अधिक उड़ नहीं पाई। उसे बड़ी प्यास लगी थी। वो एक जगह उतर कर बैठ गई। पानी, पानी दे दो, मैं उड़ नहीं पाऊंगी। पानी ना मिला तो मर जाऊंगी। आसपास कोई नहीं नजर आ रहा था। चिड़िया की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। आसमान में उड़ने वाली एक सपना परी ने उसे देख लिया और वो नीचे उतर आई। प्यारी चिड़िया, तुम बहुत उदास दिखाई पड़ रही हो। इस जंगल में अकेली नजर आ रही हो। सबसे पहले मैं तुम्हारी प्यास बुझाना चाहती हूँ। परी ने अपने जादुई चमत्कार से एक मटका प्रकट कर दिया। परी ने अपने हाथों का इशारा किया। आ जा नीर। परी के इतने कहते ही मटके में पानी भरने लगा। जब मटका भर गया तब परी ने फिर इशारा किया। अब तू जा गंगा के तीर। सपना परी के इतने कहते ही मटके का पानी रुक गया। परी ने एक पात्र में पानी निकाल कर चिड़िया के सामने रख दिया। चिड़िया ने जी भर के पानी पिया। उसके जान में जान आ गई। हे परी रानी, आपने मुझे पानी पिलाकर जला दिया। मैं बीमारी और प्यास के कारण उड़ भी नहीं पा रही थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये मटका तो जादुई मटका है। क्या मैं इस मटके की मदद से सभी जानवरों और पक्षियों की प्यास बुझा सकती हूँ? तुम्हारी भावना बड़ी सच्ची है और तुम दिल की बड़ी अच्छी हो। तुम अपने साथ साथ दूसरों के हित के बारे में भी सोच रही हो, इसलिए मैं ये जादुई मटका तुम्हें देना चाहती हूँ। इससे सबका हित होगा। मैंने जैसे कहा आ जा नीर ऐसे कहने पर इस मटके में पानी भरना शुरू हो जाएगा। जब मटका भर जाए तो अब तू जा गंगा के तीर, अब तू जा गंगा के तीर। इस तरह 2 बार कहने पर पानी रुक जाएगा। इस प्रकार से जब भी पानी की आवश्यकता होगी तुम इस मटके से पानी प्राप्त कर सकोगी। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बता दी। अब जंगल के जानवरों और पक्षियों को पानी की वजह से जंगल छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। मैं सबको सूचित कर दूंगी ताकि जाने वाले ना जाए और जो गए हैं वो लौट आए। सपना परी ने एक छोटा सा घर बनाकर उसमें मटका रख दिया। उस मटके की मालकिन चिड़िया बन गई। चिड़िया ने चारों तरफ उस मटके के पानी के चमत्कार की बात फैला दी और सभी जानवर और पक्षी आकर उस मटके से पानी पीने लगे। बहुत सारे जानवरों और पक्षियों ने पानी पी लिया। कुछ हाथी भी आ गए। अरे चिड़िया रानी, मैंने अगर ये पानी अपनी सूंड से खींचा तो एक बार में ही समाप्त हो जाएगी। बार बार पानी कैसे आएगा? अरे हाथी भाई, चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं है। मेरे पास पानी निकालने का मंत्र बड़ा सही है। आ जा नीर। बस फिर क्या था, मटके में पानी भरने लगा और गजराज पानी पीने लगे। पानी था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक हाथी का पेट भर जाने के बाद दूसरी हाथी नंबर लगा रहा था। बड़ा ही स्वादिष्ट जल है, जैसे गंगा मैया का जल। चिड़िया रानी, बड़ा पुण्य का काम कर रही हो। सबको जो जल पिला रही हो, तुम्हें गंगा नहाने से भी बड़ा पुण्य मिल रहा है। जब सभी हाथी पानी पी चुके तो चिड़िया ने दूसरा मंत्र पढ़ दिया। अब तो जा गंगा के तीर, अब तो जा गंगा के तीर। चिड़िया की इतना कहते ही पानी भरना बंद हो गया और सभी जानवर पक्षी
अपने अपने स्टेशन पर लौटने लगे। एक बंदर जिसका नाम मंगरू था बड़े सोच में पड़ गया। अरे ये चिड़िया तो बहुत वाहवाही लूट रही है, सबकी जुबान पर उसका नाम है। ये मटका तो मेरे पास होना चाहिए था, अगर जरूरत पड़े तो ये चिड़िया खाली मटके को भी हिला नहीं सकती। मैं तो दोनों हाथों से उठाकर कहीं भी रख सकता हूँ। मैं तो इसे अपने घर भी ले जा सकता हूँ। ये छोटी सी चिड़िया मेरी क्या बिगाड़ लेगी। मैं इस जादुई मटके से पूरे जंगल का सरदार बन जाऊंगा, सभी जानवर और पंछी मेरी ही हुजूरी करेंगे, पानी के बदले मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मंगरू बंदर के दिमाग में मटके की चोरी का विचार बन गया। उसकी लालच ने उसे ये गलत काम करने के लिए प्रेरित कर दिया। एक दिन मौका देखकर मंगरू ने मटका चुरा लिया। चिड़िया को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे खबर मिल गई थी, ये कारस्तानी मंगरू की ही है। कुछ जानवर और पक्षी चिड़िया के पास आए लेकिन उन्हें पानी न मिला और वे निराश होकर लौट गए। उनमें से कुछ जानवर मंगरू के यहाँ पहुँच गए। अरे मंगरुआ, पानी तो पिला, सुना है मटका चुरा कर उठा लाया है। वाह भालू, तमीज से बात करो, मंगरुआ नहीं मंगरू राजा बोलो। पानी मांगने आए हो, चोर किसे बना रहे हो? यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, पानी चाहिए तो अदब से बात करना होगा। भालू प्यासा था, मजबूर हो गया। कहते हैं वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है। ठीक है मगरूर राजा, प्यास लगी है, पानी पिला दो, बड़े पुण्य का काम है। पाप पुण्य को मारो गोली, 1 किलो मधु मेरे घर पर भिजवा देना, मधु देते रहना, पानी पिलाता रहूंगा। पहले पानी तो पिलाओ। मंगरू बंदर मटके के पास पहुंच गया। उसने मटके से कहा, ओ मटका पानी निकाल। मटके में कोई हलचल नहीं हुई। ओ मटका पानी निकाल। इस बार भी मटके में एक बूंद पानी नहीं आया। बंदर ने अपना सारा जतन लगा लिया लेकिन कुछ काम नहीं आया। इसके बाद मंगरू बुरी तरह झल्लाया। अरे ये मटका तो बेकार है, इसमें कोई पानी वानी नहीं है, इसे पटक कर तोड़ देना ही ठीक रहेगा। मंगरू ने मटके को उठा लिया और जैसे ही पटकने जा रहा था मटका घूमा और उसके सर पर बड़ी जोर से 2 बार टंटना टंटन मार दिया। मंगरू मटका रखकर बड़ी जोर से चिल्लाया, अरे ये पानी वाला नहीं पिटाई वाला मटका है, ये मेरा सर तोड़ डालेगा। अरे रे, जाकर काम ताही से साजे, चोर करे तो डंडा बाजे। तुमने मुझे फिर से चोर कहा, अब तो पानी मिलने से रहा, मैंने चोर को चोर कहा। मंगरुआ ये मटका चिड़िया को देकर आ, पूरे जंगल को प्यासा मारने की इरादा है क्या? मंगरू मटका उठाकर सर लटकाकर चिड़िया के घर पहुंच गया और उसे मटका दे दिया। तब तक सभी जानवर और पक्षी प्यासे हो गए थे। मंगरू को भी मटके से पीटने के बाद ज्यादा ही प्यास लगी थी। चिड़िया ने मटके को पाकर वही पुराना मंत्र सुनाया और मटके में पानी आया, सबकी प्यास बुझाई गई। सभी बेईमान मंगरू को 2 बात सुनाने लगे और चिड़िया के गुणगान करने लगे। मंगलू की प्यास। बात बहुत पुरानी है। मंगलू नाम का एक राहगीर जंगली रास्ता से गुजर रहा था, चलते चलते थक गया था, प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। उसे दूर दूर तक कहीं भी पानी ना दिखाई दे रहा था। मंगलू एक पेड़ के नीचे बैठ गया, तभी उसे कलकल की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज को सुनता हुआ उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी को देखकर वो बहुत खुश हो गया और पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। अचानक मंगलू के मन में एक विचार आया, क्यों ना पत्तों का एक दोना बना लूं? उसमें भरकर पानी पीना आसान रहेगा। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ा। वो पेड़ से पत्ता तोड़ने ही वाला था कि उसकी नजर
दूर पड़ी एक मिट्टी के कटोरे पर पड़ी। वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने सोचा, काश लोहे का कटोरा होता तो कितना अच्छा होता। अब वो लोहे की कटोरे के तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे लोहे का कटोरा भी दिख गया। अब मंगलू की आंखों में चमक आ गई थी। तब मंगलू के मन में ख्याल आया, अरे ये जंगल तो बहुत अच्छा है, यहाँ जो कुछ भी चाहो वही मिल जाता है, चलो थोड़ी दूर और चला जाए, शायद पीतल का कटोरा भी मिल जाए। पीतल कटोरा। पर सोने का कटोरा अब भी उसके हाथ में ही था। प्यास के कारण उसकी दम निकला जा रहा था। वो नदी की बिल्कुल समीप आ गया था। उसने हिम्मत जुटाई, खड़े होने की कोशिश की, लेकिन खड़ा नहीं हो पाया और गिरकर बेहोश हो गया। कल कल बहती नदी हंसी और बोली, अभाग्य मनुष्य, तू बेकार ही भटकता रहा। पानी पीने के लिए तो तेरे दोनों हाथ ही काफी थे।